क्या किया आज हम सभी बजरंग दल के विश्व परिषद के सभी कार्यकर्ता हरियाणा के मेवात में नू में जो सोमवार को भक्तों के साथ बहुत ही दर्दनाक दुर्भाग्यपूर्ण बर्बरता पूर्वक जो घटना घटी है उसके विरोध में आज पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है। ये एक नू की जो घटना है एक सोची समझी रणनीति के तहत है क्योंकि इतने समय में इतने हथियार उनके पास कहां से आए ये एक जांच का विषय है। क्या हमारे खुफिया तंत्र को इसकी जानकारी नहीं थी ये उनकी विफलता है या उनको जानकारी थी तो हमारे शासन प्रशासन ने उस पर क्या एक्शन लिया इसकी गंभीर जो है जांच होनी चाहिए और दोषियों को निश्चित रूप से ज़्यादा दंड दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। हमारे 20,000 भक्तगण एक साधारण जुलूस जो हर साल लेकर निकलते हैं भगवान शंकर को भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए निकले थे उनके साथ महज 100-150 पुलिसकर्मी वो भी एक तरीके से निहत्ते खाली डंडा लिए इतनी बड़ी संख्या में वहाँ ज्वलनशील स्थान है। हमारी पुलिस ने या हमारे शासन प्रशासन ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया ये उनकी घोर नेग्लिजेंसी है जिसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और उसकी भी NIA से जाँच होनी चाहिए। जितने भी जो दोषी हैं इसके जिन्होंने ये घटना को घटित किया है उनके एक एक घर की छानबीन होनी चाहिए और जो जो उनके घर में जो असलहे या जो भी चीज़ है उसको पुलिस द्वारा बरामदगी करके और जिस प्रकार से योगी बाबा ने यूपी को शांत कराया है उसी प्रकार से योगी बाबा का बुलडोजर उनके घरों पे विद्रोहियों के घरों पे चलना चाहिए। हमारे संयुक्त महामंत्री माननीय सुरेंद्र जैन जी के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया लेकिन प्रभु श्रीराम कृपा से वो बाल बाल बच गए। 5 लोगों की वहाँ मौत हुई है जिसमें हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता और पुलिस के अधिकारी भी मारे गए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। मैं शासन प्रशासन से मृतकों को 1 करोड़ रुपए और जो घायल हुए हैं उनके परिवार वालों को कम से कम 20 लाख रुपए और उनके पूरे इलाज के लिए प्रार्थना करता हूँ। शासन प्रशासन इसको देखे जिस प्रकार कश्मीर में एक घटना घटी थी बंगाल में केरला में मिजोरम में अब हरियाणा में भी उसी तरीके से ये लोग फन फैलाए हुए हैं। इन सपेरों को आप कितना भी दूध पिला दीजिए लेकिन ये अपना फन फैलाए बिना नहीं रुकेंगे। किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से कहां से इनके पास ज्वलनशील पेट्रोल आया इन्होंने साइबर थाने को भी नहीं बख्शा साइबर थाने में भी घुस करके पूरा सब कारों सब वाहनों को जला दिया एक सोची समझी रणनीति के तहत और पहाड़ पर चढ़ के पूरा गुरिल्ला युद्ध किया इन्होंने चारों तरफ से सबको घेर करके और पूरे जान माल से मारने की जो साजिश थी प्रभु श्रीराम कृपा से हमारे कार्यकर्ता हमारे भक्त अपनी जान बचाने में सफल हुए। मेरा भारत सरकार से यही निवेदन है कि वहां के जो निकम्मे दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ FIR हो और गैर रातन हत्या का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो ताकि भविष्य में पूरे देश में सारे अधिकारी इससे सबक ले और कहीं पर भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। और जब जब देश में कोई भी संकट आएगा हमारा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसका प्रतिकार करेगा और हम समस्त हिंदू जनमानस को ये विश्वास दिलाने की कृपा करते हैं पूरा विश्व हिंदू परिषद पूरा बजरंग दल आपके साथ खड़ा है। हिंदू समाज के ऊपर जब जब कोई विपत्ति आएगी हमारा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आपके साथ खड़ा होगा। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ही इसी मूल्यों पर हुई थी हिंदू धर्म की रक्षा हो और हम सभी हिंदू भाइयों की रक्षा हो। हम 1964 के बाद 2024 में अपना षष्ठी पूर्ति वर्ष मनाने जा रहे हैं हमारे 60 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं पुनः सबसे हिंदुओं से निवेदन करता हूं आप संगठित होकर के विश्व परिषद से जुड़ें और विश्व परिषद आपके सभी तरीके से आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता है। जय श्री राम। नाम बता दीजिए। विनोद अग्रवाल प्रांत उपाध्यक्ष विश्व परिषद काशी प्रांत प्रयाग।